स्लाइड में देखो बच्चे, और भी इजी है। इधर एक रोबोट है, रोबोट इधर ऑपरेटर है, इधर कंप्यूटर सीपीयू है ना, तीन चीज है ना, रोबोट है, ऑपरेटर है, कंप्यूटर है। ऐसे ही हमारे अंदर भी ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, वो क्या है, कंप्यूटर। अब ये शरीर बॉडी जो है, बॉडी ये बॉडी जो है रोबोट, बॉडी क्या है रोबोट, और इसके कंट्रोल करने वाला प्रोग्रामर, वो प्रोग्रामर है सोल। प्रोग्रामर कौन है? अभी इसमें आपको बहुत सुंदर एग्जांपल दे देता हूं, आप जीवन भर याद रखते हैं। ओके, मेरा मोबाइल आपने लिया, अभी बच्चे मुझे आंसर करेक्टली दे दो, इसको क्या कहते हैं? ये मोबाइल देखने में एक लग रहा है, लेकिन इसके एक से ही काम होता है और बहुत चीजों से काम होता है। मेनली आप एक मोबाइल खरीदने गए तो दो चीज खरीदते हैं, एक क्या है, हैंडसेट, हैंडसेट, दूसरा क्या है, सिम कार्ड। अगर सिम कार्ड है, हैंडसेट नहीं तो काम करेगा? अगर हैंडसेट है, सिम कार्ड नहीं तो काम करेगा? दोनों मिलाएंगे तो काम करेगा? ऐसे फिर भी टावर से कनेक्ट होना है, फिर भी टावर से कनेक्ट होना है, बैटरी चार्जिंग होना है, करेंसी डालना है, और डायलिंग नंबर करेक्ट होना है, इतना चीजें ध्यान रखना पड़ता है ना। फिर भी मोबाइल माना क्या होता है, हैंडसेट एंड सिम कार्ड, है ना। हमारे में भी देखो बच्चे, सभी दोनों सुनो ध्यान से, ये शरीर जो है ना हैंडसेट, ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक हैंडसेट, इसमें सोल जो है ना, सोल दैट इज जस्ट लाइक सिम कार्ड। कैसे सर? सुनो सर, इधर जो सोल होता है वो तीन शक्तियों से काम करता है, मन, बुद्धि, इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस, सीडी जैसे दिखाया, देखो सबकॉन्शियस माना संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट, सब संस्कार माना सबकॉन्शियस। यम माना क्या, माइंड, माइंड। आई माना क्या, इंटेलेक्ट, उसको बुद्धि कहते हैं। यस माना क्या, संस्कार, संस्कार माना सीडी जैसे रिकॉर्ड, तो कितना हुआ, एम आई एस। एम आई एस को उल्टा करो तो हमारे अंदर सिम है या नहीं? केवल मोबाइल में सिम नहीं है, हमारे अंदर भी सिम है। मन का मतलब सोचने का शक्ति, इंटेलेक्ट मतलब डिसाइड करने का शक्ति, संस्कार मतलब रिकॉर्ड करने का शक्ति। समझ में आ गया, समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड सोल एंड बॉडी। समझ में आ गया, नो डाउट। तो अब अभी आप बोलो, हमारे मन में जो थॉट आता है वो अगर नेगेटिव सोचता है तो हमारा मन का शक्ति क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। आप मोबाइल यूज करते रहेंगे तो बैटरी क्या होता है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो गए तो मोबाइल को जाकर के हम बाहर फेंकते हैं, फिर क्या करते हैं, हाँ वो चार्जिंग इधर भी जरूरत है। हम क्या करते हैं, इसके साथ क्या क्या नेगेटिव लेकर के उसको डालते, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ना है, टीचर आता है, पहले 10 मिनट उसको वेस्ट होता है, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, ये टीचर को चलता आ रहा है, वो 10 मिनट के बाद होमवर्क, मैडम ये नहीं किया, मैडम वो नहीं किया, सर इसने ये किया, सर ये उसने 15 मिनट, फिर आपका मन को वो टीचर बहुत कोशिश करके कंट्रोल करके आपका दिमाग में डालने करते, ऑलरेडी आपका बैटरी डिस्चार्ज है, वो क्या बताता है, एक एंट्री दूसरा एग्जिट, एक एंट्री दूसरा एग्जिट, और टेस्ट आता है, एग्जाम आता है, आप आकर के उधर क्या क्या लिखते हैं आपको पता नहीं, कम मार्क्स आता है, आपको पेरेंट्स को बुलाता है और पेरेंट्स से पूछा जाता है, मेरा बच्चे का, आपका बच्चे देखो ऐसे पढ़ रहा है, ओ पेरेंट्स मेरे भी इस एक्सपीरियंस है, ऐसे बोलते हैं, सर हमारे बच्चे आपके हैंडओवर में 7 घंटा 8 घंटा रहता है, वो आप ही उसका शिल्पी है, क्या करना आप करो सर। घर में कितने घंटे रहते, 16 घंटे, तो घर में कुछ भी ध्यान नहीं देते, टीवी देखते रहते, चोर मशोर करते रहते, उसको पढ़ाई पढ़ो भी मन नहीं बोलते, और आप भी क्या करते हैं, अपने सिबलिंग के साथ झगड़ा करना, गलाटा करना, तो एक गलत करते, थोड़ा भी माइंड चार्ज नहीं करते। उसका इफेक्ट कहाँ होता है, मेमोरी पर होता है, वहां मेमोरी पर इफेक्ट हो गया तो एग्जाम में रिजल्ट क्या आता है, टॉप नंबर आता है ना,
टॉप नंबर आता है, लास्ट नंबर आता है. तो नाउ टेल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम, माइंड. इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में एजुकेशन बिंगर एक है, उसके द्वारा ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं ताकि सभी को अपने इंटरनल पावर को इग्नाइट करने के लिए. मैं थोड़े ही आपके सिलेबस से आउटसाइड बोल रहा हूँ, सब कुछ आपका सिलेबस के कनेक्टेड, ओनली थिंग इज सब्जेक्ट इज ओनली डिफरेंस. समझ में आ रहा है? यस सर नो? यस.